नमस्कार, मैं धीरज और आप देख रहे झारखंड तक लाइव। अभी मैं हजारीबाग के कृष्णापुरी में हूँ, जहाँ पर चोरी की घटनाएं थम नहीं रही है। आज हम कृष्णापुरी में आए हुए हैं और हमारे साथ जिनके घर में चोरी हुई उनसे बात करते हैं किस प्रकार से इनके घर में चोरी हुई है, क्या चोरी हुई और कितना रुपए की चोरी हुई आपके घर से चोरी हुई है। 5-6 हजार रुपया था कैश, है ना। मंगलसूत्र था, अंगूठी थी और कान की थी, लगभग 1.5 लाख का था। आपके घर से चोरी हुई? घर से चोरी हुआ, मेडिसिन का डब्बा में, एक डब्बा में हम करके रखे हुए थे और स्नान करने चले गए। इसी बीच 5-10 मिनट के अंदर ही वो ये किया, मैं दरवाजा आवाज हुआ तो हमने सोचा बेटा मेरा आ गया। आपका ये बाहर का दरवाजा है, यहाँ पे जरा दिखाइए, बाहर का दरवाजा है और बाहर से भी एक दरवाजा है। वहां से आते हुए इस क्रम में आप देख सकते हैं बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ, उस कैमरा को मैं दिखाता हूँ अभी। और देख सकते हैं यहाँ गेट लगा हुआ, थोड़ा ढेका हुआ था गेट, और अंदर से भी अंदर गए हुए थे कुछ काम के लिए। उसी दौरान बाहर से वो चोर आया और यहाँ से चोरी करके लाख रुपए, कितना लाख रुपए से? 1.5 लाख का था। 1.5 लाख? हाँ, भारी था, मंगलसूत्र वजन था, और कान का था और अंगूठी था, वो तीनों लेके उसको वही हाथ लगा, है ना। गोदरेज भी खुला हुआ था, मेरे को शक हुआ गोदरेज भी खुला है, तो बेटा को मैंने पूछा गोदरेज खोला था, तो बोला नहीं मैं तो नहीं खोला था। उसके फिर हम सकला कोई तो है। ऐसे गेट लगा के कितना देर के लिए अंदर गए थे? यहाँ से गेट लगा करके अंदर गए थे तो 10 मिनट बस, 10 मिनट के क्रम। हाँ, नहा रहे थे और 10 मिनट में ही हम निकल गए। घर में अकेले आप? अकेले थे। हाँ, हस्बैंड तो स्कूल चले गए थे, बेटा जिम गया हुआ था। इसी के बीच में ये हुआ, गोदरेज खुला हम देखे तो शक हुआ हमको कि कोई आया है। फिर हम ये चौकी के अंदर, पलंग के अंदर भी झांक झांक के देखे, कोई नहीं नजर आया। इसी के बीच तो वो निकल ही चुका था, किचन का दरवाजा जो मेरा है वो बजा, तो इसमें हम आवाज दिए कि बेटा तुम आ गए, इतना जल्दी आ गया। वो करता है डीवीए ना, इंजीनियर है ना कंप्यूटर का, तो हम सोचे लगता है इसको कोई फोन आ गया इसलिए वो जल्दी आ गया। देखिए इसका भी कोई आवाज नहीं है। उसमें फिर हम तो नहा रहे थे तो निकल नहीं सकते थे हम। उसके बाद वही देखे गोदरेज वगैरह खुला हुआ, सामने जब मैं पैसा की जरूरत पड़ी तो देखा कि पैसा है ही नहीं, फिर ज्वेलरी देख रहे तो ज्वेलरी भी सारी गायब। ये घटना आज की चोरी, मतलब लगातार, मतलब इधर और भी क्षेत्र में चोरी हुई है पहले? हाँ, हमारे बगल में हुए, इधर के बगल इनका, इन्हीं के यहाँ इनके भी। इसके बाद चोरी होने के बाद थाना में आपने इन्फॉर्म किया है? जी हाँ, हमने क्या किया है। मैं कल भी थाना गई थी, वहाँ कोई अधिकारी नहीं थे, 9:30 बजे गए थे, वहाँ कोई अधिकारी नहीं थे। वो एक कोई महिला थी, वो बोली कि 11-12 बजे के पहले कोई अधिकारी नहीं आते हैं। तो मेरे को रांची निकलना था, मैं रांची निकल गई, डॉक्टर के पास जाना था, लेट हो जाता उधर भी, तो उधर हम चले गए। फिर आज हमने 11 बजे गया वहाँ, तो अप्लीकेशन दिए, तो वहाँ हस्बैंड बोले कि रिसीविंग दीजिए, तो बोली कि नहीं यहाँ कोई रिसीविंग नहीं होता है। थोड़ा सा तो बकझक भी हो गया आपस में, फिर कर बोले नहीं यहाँ कोई रिसीविंग नहीं होता है। तो हम लोग सोचे कि मान लो रिसीविंग नहीं दिए तो कैसे जाने कि मेरा फॉर्म हो चुका है सबमिट, ये तो मेरे को जानकारी मिला था। लेकिन वहाँ बोली नहीं, जहाँ जाना है जाइए, जो पैरवी करना है कीजिए, आपको फोन जाएगा, आप तब आइएगा, उसके बाद जाएगी पुलिस थाने के द्वारा। बोला जी आप भी गए थे थाना? क्या हम बोला कोई, हम सोचे एप्लीकेशन कल लेके गए तो हम कम से कम फर्स्ट दे दे थाना को सूचना कि ऐसे हो गई हमसे, आगे दिन किसी के साथ नहीं, हमारे साथ हो गया। सीसीटीवी में जब फुटेज मिला तो हमको लगा कि पुलिस इसमें अनुसंधान करके कुछ निकाल सकती है। सीसीटीवी फुटेज दिखाए थाना में? वो दिखाने चाहे पर वो देखना नहीं चाहिए, महिला पदाधिकारी थी ना, वो नहीं देखना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं ली। पुलिस जब आएंगे तो वो देख लेंगे आपसे। सीसीटीवी फुटेज अंजाम दिया है और दिखाइए जरा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से चोरी जो है, और चोर जो है वो पीले कलर के कपड़े में आया था और किस प्रकार से देखिए निकल रहा है बाहर, चोरी करके ये बाहर निकल रहा है। फेस क्लियर नहीं आ पाया है लेकिन देख सकते हैं किस प्रकार से ये भीख मांगने को बहाना करके घरों में घुसकर चोरी को अंजाम दे रहा है। और कोई और दिखाइए दूसरा कैमरा कर, ये दूसरा घर में नॉक करके बाहर निकला है। सब घर में नॉक कर रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि सब घर में ये नॉक कर रहा है, जा करके जिस घर में देख रहा है कि नहीं है कोई और घुस करके सीधा ये चोरी कर निकल जा रहा है। देख सकते हैं आप इस प्रकार से नॉक कर रहा है।
वीडियो स्लो किया हुआ ना। ये देखिए नॉक करके ये फिर बाहर निकल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं चोरी की घटना हजारीबाग शहर में हो रही है। कुछ दिन पहले शिवपुरी क्षेत्र में लगातार चोरी हुई। कल दो चोर को भी लोसिंगा थाना पुलिस ने पकड़ा है।